मुख्यमंत्री उदय मित्र जिला पुरस्कार मिशन भारत एसोसिएशन भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से आप लोगों में कोटि कोटि ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिष्य गुरुदेव भक्तिवेदांत शुक्ल गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि ज्ञापन हो। इसके उपरांत श्री दान गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि ज्ञापन ब्रह्मचारी एवं समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि ज्ञापन। आज बहुत सुंदर पर्व, क्या पर्व है? गुरुदेव जी का आगमन। हरि बोल। और एकादशी पर्व भी है और अपरा एकादशी है, जिसमें महाराष्ट्र ने बहुत सुंदर तरीके से सुबह सुबह 5 बजे वृंदावन से गोवर्धन लेकर गए सब भक्तों को। इस लॉकडाउन की अवस्था में भी कम से कम 50-60 भक्त थे और बहुत सुंदर तरीके से जो है कीर्तन करते हुए समस्त भक्त चले। और जहां जहां भी कोई बिना स्त्री आई, महाराष्ट्र ने बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हम लोगों को सुनाई। उन्हीं में से आज थोड़ी सी एक आधी कथा पुनः सुना देता हूं मैं। हम लोग जब परिक्रमा करते करते पहुंचे आनियोर और गोविंदपुर, तो वहां पर जो आनियोर गांव है उसका नाम कैसे पड़ा? जब श्री कृष्ण भगवान के पास समस्त लोग जो बच्चे थे और बड़े भी थे वो कहने लगे कि तुम किस प्रकार से कहते हो कि गिरिराज भगवान? क्या हुआ था, विषय क्या था? विषय यह था कि वर्ष में एक बार जो है इंद्र को भोग लगाया जाता था और पूरी पूरी रात्रि में समस्त ब्रजवासी घर में पकवान बनाते थे और बैलगाड़ियों में भर भर करके जो है एक बहुत बड़े बड़े कूट कूट बोलते पर्वत को, जैसे चावल का कूट लगा दिया, दाल का कूट लगा दिया, मिठाइयों का, जलेबी का, इमरती का, इस तरीके से बड़े बड़े पर्वत लगा दिया करते थे जिससे कि इंद्र देवता प्रसन्न हो और समय पर क्या हो, वर्षा हो। और वर्षा के बाद क्या होगा, यहाँ पर हमारी जो है फसलें ठीक प्रकार से होंगी, इस वजह से किया करते। तो भगवान श्री कृष्ण ने निषेध किया कि देखो इंद्र का वह कार्य है, उसको उसको करना ही है। यदि आपकी पूजा करने की इच्छा ही है तो गिरिराज महाराज की कीजिए, क्यों? गिरिराज महाराज के कारण से ही मेघ आते हैं, टकराते हैं, वर्षा करते हैं। इसके उपरांत जो हरी घास है उसको गैया खाती है और खाने से क्या होगा, वो दूध देती है और इस प्रकार से पूरे ब्रजवासी जो है पोषणता को प्राप्त होते हैं। तो ये जो जितनी भी फसल इत्यादि है वो तो देवता का कार्य है वर्षा करना, इसके लिए आपको अन्य इस तरीके से चेष्टा नहीं करनी चाहिए, यदि करनी है तो ये गिरिराज जी की करो। तो देखो भगवान अभी मात्र 5-6 वर्ष के हैं, 7 वर्ष के, और सबको भोली भोली बातों में ऐसे मोहित कर लेते हैं कि बड़े बड़े नंद बाबा इत्यादि सब उनकी बातों में आकर्षित होकर के मान लिया करते हैं। और कहा चलो ठीक है, सबने एकदम हाँ करी और जो कुछ भी रात्रि भर उन्होंने बनाया सुंदर तरीके से छपड़ों में भर भर करके पहुंचे आनियोर गांव। तो वहां पर उन्हें देखो गिरिराज जी को भोग लगाएंगे, तुम्हारा इंद्र जो है आज तक कभी प्रकट होकर के उसने कभी कुछ ग्रहण किया है, लेकिन गिरिराज जी जो है प्रकट होकर के सब कुछ खाएंगे। तो जो उनके सखा थे वो बड़े चंचल थे, भोग लगाया गया लेकिन गिरिराज जी प्रकट नहीं हो रहे। अरे तो कराल तेरा जो है गिरिराज प्रकट होगा, कहां हो रहा है, कुछ भी नहीं, जैसी पर्वत है पत्थर, अच्छा चिंता नहीं करो, थोड़ी देर सब रखो। फिर भगवान ने एकदम से स्मरण करते हुए अपने आप को ही वहां प्रकट कर दिया, बोलो गिरिराज महाराज की जय। और सुंदर तरीके से जो है बड़े बड़े जो फूल लगे थे, पर्वत लगे थे, उनको अपने दोनों बुझाएं बुढ़ा बुढ़ा करके खा रहे हैं, आने दो आनियोर आनियोर, तो और आने दो और आने दो। और सारे बड़े बड़े पर्वत जो थे मिठाइयों के, चावल इत्यादि सब कुछ उन्होंने जो है खाए। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे जो है तुम्हारा ठाकुर तो बड़ा भूखा, हमारे को छोड़ा ही नहीं, तो चिंता नहीं करो। अब यहां पर भगवान जो है कह रहे हैं तुम देखते रहो कितने कृपालु हैं गिरिराज जी। अब थोड़ी देर में जितना
जितना जो कुंड बने थे उसके दुगने दुगने कुंड और बन गए। जितने जितने लोग लेकर आए थे वो ज्यादा से ज्यादा वहां पर हुए, और फिर वहां पर जो भोग लग गया, ठाकुर जी ने भोग स्वयं पाया, उसके बाद जो प्रसाद रूप जो वितरण हुआ उसको पाकर के ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, और बड़े प्रसन्न होने के बाद क्या हुआ, वहां की परिक्रमा हुई गिरिराज महाराज, सब गोपियों ने लगाई, ब्रजवासियों ने लगाई, और ये परिक्रमा कब से चली आ रही है। गिरिराज महाराज की जय। इंद्र जो है अब यहाँ पर बहुत ज्यादा ईर्ष्या में, क्रोध में जो है संवत्सर जो मेघ है उनको आदेश दे रहा है, जो प्रलयकालीन में प्रकट होते हैं कि जाओ और पूरे ब्रज को जो है प्रलय उसमें ला दो, पानी पानी कर दो, बाढ़ ला दो। ये गए, इन्होंने पड़पड़ की आवाज करा करके पूरा बिजली गिरा करके मूसलाधार वर्षा, और ऐसी वैसी मूसलाधार वर्षा नहीं जैसी होती है, हाथी की सूंड के बराबर एक बूंद, तो देख लो कितनी महाप्रलय की वो वर्षा, और पूरा ब्रज जो तहस नहस होने को तैयार, सब दौड़ करके आए कृष्ण के पास, ले काना और करा ले पूजा, देख इंद्र का प्रकोप अब झेल, चिंता नहीं करो, सबको लेकर के पहुंचे गिरिराज महाराज के चरणों में। कहा जब हमने ठाकुर जी के राज्य को माना है तो वही हमारी रक्षा करेंगे, चलो वहां जाकर के झुके हैं ठाकुर जी 7 वर्ष के काना नंगे से, और उन्होंने जो है जाकर के अपने बाएं हाथ की कनकी उंगली से श्री गिरिराज महाराज को धारण किया। बोलो गिरिराज धरण महाराज श्री कृष्ण चंद्र की। और यहां पर जो इस तरीके से सारे के सारे ब्रजवासी उनको आदेश दिया कि तुम सब इसके नीचे आ जाओ, सब नीचे आ गए, और ये जितने भी प्रलयकालीन बादल थे पूरा तरीके से उन्होंने वर्षा की, उनके मेघ खाली हो चले, एक बूंद भी बचा नहीं। उन्होंने सोचा कि अब तो ये ब्रज खत्म हो गया होगा, जाकर इंद्र को समाचार दी जाना चाहिए। वो गए और उन्होंने कहा कि हमने पूरा ब्रज को जो है बाढ़ से प्लावित कर दिया। तब वहां पर एक दूत को भेजा, दूत देखा कि आनंद मगन होकर के श्री कृष्णचंद्र ने 7 दिन तक इस तरीके से धारण किया गिरिराज जी को, तो यहां पर ये विस्तीर्ण हो जाएगी, इसको ज्यादा ना लेकर के जो कुंड है उधरता था। जब इंद्र को पता चला कि और कोई नहीं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान है, और मैंने इनके चरणों में अपराध किया, तो वो आया, आने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो नारद जी ने उनको बतलाया कि भाई तुम गैया को लेकर जाओ, सुरभि को लेकर जाओ, वो बड़े ही कृपा करेंगे, क्यों गौ माता से अत्यंत स्नेह है, उनकी स्वयं सेवा करते हैं, तुम उनकी पूछ पकड़ के पीछे चलना और दंडवत करते हुए चलना, निश्चित तौर से तुम्हें क्षमा कर दो। तो वहां पर इंद्र महाराज आए हैं और सुरभि को आगे किया, सुरभि को देख करके भगवान श्री कृष्ण का सारा क्रोध चला गया, और देख करके इंद्र को जो है तुरंत क्षमा किया, इंद्र भगवान ने उनका अभिषेक किया भगवान श्री कृष्ण का, और वहां गुरु कुंड जो बना है उनके अभिषेक से बना। बोलो गोविंद कुंड की जय। इस प्रकार से भगवान की सुंदर अर्चन वंदना पूजा हुई, और भगवान श्री कृष्ण का जो नाम दिया गोविंद को इंद्र ने दिया, क्योंकि गोविंद गो मतलब इंद्रिया, और बिंद मतलब जो आनंद प्रदान करता है, या इंद्रियों को जो पूर्ण तरीके से आनंद विधान करते हुए उनका पालन पोषण करता है वो गोविंद। तो ये गोविंद नाम जो है इस क्रीड़ा से हुआ, और यहाँ पर गोविंद कुंड बन गया। तो अभी महाराज जी से थोड़ा श्रवण करेंगे, अभी महाराज जी थके हुए भी है, ज्यादा समय लेते हुए मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कुछ कथा श्रवण कराए। धन्यवाद। जो गिरिराज भगवत है,
कभी हमारी ब्रजगण के साथ क्या कर रहा है, इनकी कृपा से ही हम यहाँ निवास कर रहे हैं, पानी हमें गिरिराज से मिलते हैं और घास गैया को मिलता है गिरिराज से, गैया घास खा करके दूध देते हैं और दूध से दही और दूध से बलाई और दूध से घी और दूध से कटी जितने मिठाई कहाँ से बनता है वो दूध से बनता है और पानी भी कहाँ से पीते हैं बल गिरिराज से। इसलिए जो बारिश भी होता है बारिश कैसे होता है वो मेघ टकराता है गिरिराज गोबर चलते हैं तब ये बारिश होती और गुजरात बना हो जंगल जैसे जहाँ जंगल है वो पानी वहीं पर होती है। इसलिए हमारे जो ब्रज का आराधना देव है कौन है, तुलसी गिरिराज महाराज, तुलसी गिरिराज महाराज की जय। इसलिए इनका नाम सर्व अभिष्ट प्रदाता मतलब जो कुछ इनसे मांगो, इसलिए मुनि जी कहते जो व्यक्ति गिरिराज की कल्पना लगाते हैं कृष्ण को पीछे 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 चलते क्यों इतने कष्ट करके कल्पना लग रहा है बड़े से जो कुछ मांगे उसका नाम सब कुछ देते कितने कृष्ण की गिरिराज गोवर्धन कितने गया उसी गिरिराज गोवर्धन है। इसलिए कृष्ण ने इंद्र पूजा को बंद करवा दिया, कृष्ण शिक्षा देते हैं ये ब्रजवासी मेरे सबसे सब ब्रजवासी ये ब्रजवासी तो मेरे प्राण हैं और ये ब्रजवासी किसको कहते हैं, क्या ब्रज में जन्म होने पर कोई ब्रजवासी हो जाएगा ना ब्रज में रहने पर कोई ब्रजवासी होगा, बोले नहीं असली ब्रजवासी कौन है जिन्होंने कृष्ण को ही अपना जीवन का सब कुछ बनाया, कृष्ण ही हमारा प्राण धन कृष्ण सब को ही ब्रजवासी जैसे आप लोग बड़ोद में रहते हो आप लोग असली ब्रजवासी जो कृष्ण भक्ति करते हैं ना कृष्ण नाम पे और कृष्ण भक्ति करते हो भले ही रह रहे हैं बड़ोद में। इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण वही अपना जीवन का सब कुछ बना दिया वही असली ब्रजवासी। आगे जाएंगे जरा भीड़ में बात भी आगे जाना अगर पकड़ में कुछ पैसा हो इधर घूम करके घुस करके उधर के कुछ पकड़ खा लेते तो ब्रज में रहने का क्या तात्पर्य हो गया सबके सब प्रतिवासी गिरिराज गिरेगा तो क्या होगा सबके सब
जाएंगे, इधर उधर मत भिगा करो। इसलिए कृष्ण की क्या इच्छा थी ब्रजवासियों से, 7 दिन तक मिले और भोग इनको साथ में उत्सव मनाए ब्रजवासियों के साथ। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने इंद्र पूजा बंद करवाए, इंद्र से बारिश करवाए और बारिश करा के उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उठा करके ब्रजवासियों को साथ में उनके दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या है, अभी इंद्र का अभिमान, क्या अभिमान, कहिए ब्रज के जितने ब्रजवासी सब अधीन, अगर मैं बारिश नहीं कर जाऊंगा तो क्या होगा, सबके सब खेती सूखे पड़ जाएंगे, घास होगा ही, घास नहीं होगा तो गैया क्या खाएंगे, गैया घास नहीं खाएंगे तो दूध कहां से देंगे, और दूध नहीं देंगे तो दही कहां से होगा, मिठाई मलाई घी कहां से होगा, बस इसलिए ब्रजवासियों का मालिक मैं हूं। कृष्ण ने सोचा तो ब्रजवासियों का मालिक देखना, कीरतस्ता के पद पद में प्रयाग जहां के सब में खेली कुंज कोटी कोटि कास की गोपी की द्वार कहे बसत कहे हरिद्वार बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, इसे स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करे क्या, जानते नहीं क्या श्री वृंदावन वासी है। लेकिन इनको पता नहीं ब्रजवास कितने सौभाग्यवान, इनकी चरण की एक धूप के लिए ब्रह्मा शंकर नारद तरसते हैं, ब्रह्मा कहते हैं ब्रज का बाहर मेरे को पत्थर जन्म दो, हैं ब्रजवासी जब घर में घुसेंगे पत्थर ऊपर में प्यार कर लेंगे रगड़ेंगे तो उनका कम से कम चरण धोने पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने उद्धव माँ की गुरु में लता माँ की घास करना चाहते की लक्ष्मी अभी भी बैठी थी तपस्या कर रही है भूमि से, इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं कि इंद्र क्या सोच रहे हैं कि ब्रजवासी मेरे अधीन मेरे सेवक और मैं राजा हूँ, तो ब्रज की एक धूल में इतनी शक्ति है कि कितने ऐसे स्वर्ग को हैं, कितने ऐसे स्वर्ग को प्रकट कर सकता है ब्रज की एक धूल में इतने शक्ति, अभिमान को आत्मा मिला इंद्र ने क्या किया, इंद्र का पूजा बन करवा दिया, अब तो बढ़िया बढ़िया इंद्र एक साथ से पैदा करता है, जैसे घर में कोई मिट्टी आई बढ़िया मिट्टी आई जिस मिट्टी का घर में बढ़िया बढ़िया भागुआ भगवान को महाप्रभु को दर्शन किया और उनको
नंबर थ्री भगवती धाम में उनको वास मिला, इसलिए आज हम लोग गिरिराज गोवर्धन के लिए और गिरिराज गरिमा लगाए और उसके बाद में हरी हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे Thank you.